हाय एवरीवन, टुडे इज़ अवर नाइन्थ मॉक टेस्ट पेपर डे एंड आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे लाइक नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस रिलेटेड एंड ब्लड रिलेशंस। एंड ये क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल आते हैं, इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। 5 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपको ये वाले पार्ट से, सो ये वाला मॉक टेस्ट पेपर देखना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर मॉक टेस्ट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नंबर सीरीज। जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है हमारा नंबर सीरीज से, जो कि हर साल आता है एग्जाम में। सो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है हमसे नेक्स्ट टर्म क्या होगा। कई बार हमसे क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि हमसे पूछा जाता है कि जो पांचों नंबर या फिर जो चार नंबर दिए हैं इनमें से रॉन्ग टर्म कौन सा है, इनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या फिर जो इन सीरीज का ऑर्डर है इसमें जो गलत टर्म है वो क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन यही आया है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। 131 है यहाँ लिखा, 272, 393, 524, 655। सो जो हमको यहाँ नंबर्स दिए हैं इनमें से हमको पता क्या करना है कि इस सीरीज में रॉन्ग टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म सीक्वेंस में फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगी है। सो अगर यहाँ देखा जाए तो ये जितने भी आगे चल रहे हैं सीरीज में ये सारे 131 से मल्टीप्लाई होते हैं। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन हेयर। 131 इंटू 2, 131 इंटू 3, 131 इंटू 4 एंड 131 इंटू 5। तो अगर इनके आंसर्स देखें 262, 393, 524, 655, तो अब हमें ये आंसर को, ये एक्सप्लेनेशन को देखना है कि ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में कैसे जा रही है। तो यहां पर जा रहा है 131 इंटू 2, 272, बट यहां क्या है 262, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, 272 रॉन्ग है, क्योंकि यहां क्या होना चाहिए 262। देन आता है 393 विच इज राइट, 524 इज राइट, 655 इज राइट। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि नंबर सीरीज में यहाँ पर टेबल का यूज हो रहा है। सो यू हैव टू सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि वहां पर प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री हो रहा है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री हो रहा है, टू का क्यूब लग रहा है, थ्री का क्यूब लग रहा है, या फिर वहां पर टेबल यूज हो रही है। एंड इन दिस क्वेश्चन टेबल यूज हो रही है। 131 का अगर हम देखें, हम इंटू 2 करें, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, तो यहां पर वी कैन इजीली से दैट 272 इज रॉन्ग, द आंसर इज 262। तो यहां पर ऑप्शन में क्या होगा, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा, बिकॉज 131 की टेबल में अगर देखा जाए 131 इंटू 2 क्या होता है 262, नॉट 272। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज 272। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस। सो पहला क्वेश्चन आया था फ्रॉम नंबर सीरीज, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम अल्फाबेट। देखिए हमारी जो वीडियो थी नंबर सीरीज की एंड जिसमें कोडिंग डिकोडिंग में भी था, उसमें हमने ये पढ़ाया था दैट यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली ऑन डेली बेसिस। ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस में मॉक टेस्ट की। एंड ये क्वेश्चन जो आया है दिस इज फ्रॉम अल्फाबेटिकल रूल। सो यहां पर अगर देखा जाए, सो ए बी पी है, देन लिखा है सी डी क्यू, देन ई एफ आर, एंड उनका हमसे पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या है। सो लेट्स सी यहां पर क्या यूज हो रहा है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें ए बी पी, सी डी क्यू, ई एफ आर, तो यहां पर हमेशा देखिए एक सीक्वेंस को हमेशा फॉलो कीजिएगा, कभी भी तीनों अल्फाबेट्स को साथ लेके सॉल्व मत करिए, कभी आंसर नहीं आएगा, यू विल गेट कंफ्यूज। सो पहले हमेशा एक एक इनको देखिए कि आंसर क्या हो सकता है। सो इफ वी सी ए एंड सी, ए एंड सी में कितना आ रहा है डिफरेंस, प्लस टू, सी एंड ई में कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस टू, तो यहां कितना होगा डिस्टेंस, प्लस टू का डिस्टेंस होगा, तो यहां आंसर में होगा प्लस टू। एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लस टू होगा, बी सी डी प्लस टू हो रहा है यहां पर भी, डी ई एफ प्लस टू हो रहा है, F के साथ क्या होगा फिर यहां भी प्लस टू होगा, देन आता है P, P का क्या हो रहा है पी क्यू, देन आ रहा है R, देन यहां पर क्या होगा इसमें हो रहा है प्लस वन, पी क्यू आर यहां होगा S, बाकी के दो कॉलम्स आपको खुद फिल करने हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए इस नंबर सीरीज में कैसे हो रहा है,
पहले वाले अल्फाबेट्स में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू होगा, दूसरे अल्फाबेट में भी प्लस टू प्लस टू प्लस टू होगा, एंड थर्ड अल्फाबेट में क्या होगा नंबर सीरीज के, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, जो कि मैंने आपको बता दिया है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। बाकी के दो अल्फाबेट्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, तो इसका आंसर जो होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक, इसमें क्या लगना है, पहले के दो सीरीज में प्लस टू आएगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सिगरेट इज कोडेड एज जी आई सी ई आर ए ई टी टी देन डायरेक्शन विल बी कोडेड एज। अब ये क्वेश्चन आया है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से एक या दो क्वेश्चन हर साल जरूर आते हैं। इफ यू हैव सीन द लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो यू विल सी कोडिंग डिकोडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हमारी जो वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग की वो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने ये पूरा पैटर्न आपके लिए सॉल्व किया है। सो अगर यहां देखा जाए सिगरेट को लिखा गया है एज जी आई सी ए ई ए आर ई टी टी, तो डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा। सो यहां पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कई बार इनको कोड किया जाता है पेयर्स में, कई बार दो अल्फाबेट के पेयर में कोड किया होगा, कई बार तीन अल्फाबेट के पेयर में कोड किया होगा, कई बार चार अल्फाबेट के कोड में पेयर किया होगा। सो यू हैव टू सी द पेयर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पेयर कैसा है, सी आई जी का पेयर है, ए आर ई का पेयर है, टी टी ई का पेयर है। सो अगर हम यहां देखें यहां कैसी ट्रिक लगाई है, यहां पर ट्रिक लगाई है इसको किस तरीके से लिखा गया है, चलिए देखते हैं। सी आई जी को उल्टा कर दिया जी आई सी, दे जस्ट रिवर्स इट, इसको रिवर्स कर दिया, सी आई जी को उन्होंने क्या कर दिया जी आई सी। सेम गोज फॉर ए आर ई, ए आर ई को क्या कर दिया ई आर ए, एंड सेम गोज फॉर टी टी ई, टी टी ई को क्या कर दिया ई टी टी। सो अगर यहां पर देखें तो इसका कोड क्या बन गया जी आई सी ई आर ए ई टी टी। सो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सिगरेट को तीन पेयर्स में डिवाइड कर दिया एंड उन तीन पेयर्स को रिवर्स कर दिया, लाइक सी आई जी को क्या कर दिया जी आई सी, ए आर ई को क्या कर दिया ई आर ए, टी टी ई को क्या कर दिया ई टी टी। सो यही हमको सेम करना है डायरेक्शन में, सो डायरेक्शन में भी हम सिमिलरली तीन पेयर्स बनाएंगे डी आई आर ई सी टी आई ओ एन, एंड इसी पेयर को हम सॉल्व करेंगे लाइक सिगरेट के जैसे, इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। सो डी आई आर का क्या हो जाएगा आर आई डी, देन क्या होगा ई सी टी का टी सी ई, आई ओ एन का क्या होगा एन ओ आई। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे पेयर बनाने हैं एंड क्वेश्चन कैसे आया है। कई बार दो पेयर्स भी बन जाते हैं, कई बार तीन पेयर्स बन जाते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन में दो या तीन पेयर्स में ही होता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस बिकॉज क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है हमेशा। सो यहां आंसर क्या हो गया आर आई डी टी सी ई एन ओ आई, सो दिस वॉज द आंसर। सो लेट सी द क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर सेज अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन नंबर सीरीज। सो नंबर सीरीज में यहां क्या पूछा है, यहां पूछा है नेक्स्ट टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था रॉन्ग टर्म पूछा था हमसे, यहां क्या पूछा है हमसे नेक्स्ट टर्म सीरीज में क्या है। सो यहां देखते हैं 3 फिर 11 है फिर 23 है देन 39 है देन 59 है। सो यहां हमें पांच नंबर्स दिए हैं एंड हमें क्या फाइंड करना है इनके आगे का नंबर। सो अगर यहां हम डिफरेंस देखें यहां क्या चल रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज में फॉर यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम कुछ ही ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, ज्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बस वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए। वो ट्रिक्स क्या क्या है, कई बार क्वेश्चन आएगा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कई बार ऐसे भी आ जाता है लाइक इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री प्लस वन, और कई बार सिर्फ टेबल से आता है। तो अगर यहां हम देखें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पर प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 तो हो रहा है, प्लस 20 हो रहा है, प्लस 24 हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है। अगर ये हम टर्म्स देखें तो ये किसी की टेबल है, किसकी टेबल है, ये 4 की टेबल है, 4 इंटू टू 4 इंटू थ्री 4 इंटू फोर 4 फाइव जा 4 सिक्स जा 4 सेवन जा। सो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हर एक नंबर के बाद प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है, ये 4 की टेबल चल रही है, 4 इंटू टू 8 4 इंटू थ्री 12 4 इंटू फोर 16 4 फाइव जा 20 एंड 4 सिक्स जा 24। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म भी आपको मुझे बताना है, मैंने आपको पूरा ट्रिक बता दिया है, 59 को प्लस करना है 24 से, तो आपको मुझे इसका आंसर बताना है।
ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 आया है फ्रॉम ब्लड रिलेशन. सो ब्लड रिलेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम. इनसे क्वेश्चन हर साल आता है ब्लड रिलेशन से. ईदर दे विल आस्क यू फ्रॉम नेम पर्सपेक्टिव, नाम लेके भी पूछ सकते हैं, या फिर अल्फाबेट की फॉर्म से भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ कैसे पूछा गया, फ्रॉम अल्फाबेटिक फॉर्म, लाइक ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ डी. सो यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है. सो लेट्स सॉल्व इट. ए इज द सिस्टर ऑफ बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, इस क्वेश्चन के लिए चार्ट बनाना बहुत जरूरी है. यू हैव टू मेक अ चार्ट, बिकॉज विदाउट चार्ट यू विल गेट कन्फ्यूज. लाइक आई हैव मेड अ चार्ट फॉर यू, हमने आपके लिए चार्ट बनाया है. आपको भी ऐसे चार्ट बनाना है एग्जाम में, सो दैट कन्फ्यूजन नाउ एंड यू विल ईजिली गेट टू नो कौन किसका ब्रदर है, सिस्टर है, या फिर कैसा रिलेशन है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ए इज द सिस्टर ऑफ बी. ए जो है वो सिस्टर है बी की. एफ इज द डॉटर ऑफ जी. एफ जो है वो डॉटर है जी की. सी इज द मदर ऑफ बी. सी जो है इट इज द मदर ऑफ डी. एंड डी जो है वो फादर है किसके, सी के. एंड ई इज द मदर ऑफ डी. ई इज द मदर ऑफ डी. सो द तो नाउ क्वेश्चन इज, ए इज रिलेटेड टू डी एज. यहां पूछा गया है ए डी से कैसे रिलेटेड है. क्वेश्चन इन दोनों में आया है इनके रिलेशनशिप में. फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू हैव टू डू, दैट इज ये पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन ए को लेके आया है या फिर डी को लेके आया है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव आस्क्ड हाउ राम इज रिलेटेड टू सुधीर एज, सो यहां पूछा जाएगा. अगर इसको हम ले लें फॉर एग्जाम्पल नेम के परस्पेक्टिव से, इसको हम राम समझ लें ए को, एंड हम इसको ले लें डी को ले लें हम सुधीर. सो यहां हमें पता होना चाहिए कि हमसे राम के बारे में पूछा गया है कि राम को हम क्या टर्म देंगे, या फिर सुधीर के बारे में पूछा है कि हम सुधीर को क्या टर्म देंगे. सिमिलरली हमें पता होना चाहिए यहाँ पर ए के बारे में पूछा गया या फिर डी के बारे में पूछा गया है. पूछा तो गया है रिलेशनशिप दोनों का कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, मगर स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में या फिर डी के बारे में. सो यहां पूछा गया है ए के बारे में. सो हमें बताना है, अगर ये चार्ट हमने फॉलो किया है सो वी विल गेट द आंसर वेरी इजीली. अगर डी जो है फादर है सी के, जो कि मदर है इन दोनों सिबलिंग्स की, ए एंड बी की, तो डी क्या लगेंगे ए के. सो ए क्या लगेंगे डी के, ग्रैंड डॉटर. आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर. व्हाई, बिकॉज डी जो है वो फादर है किसके, सी के. एंड सी किसकी मदर है, ए एंड बी की. सो ए क्या लगेगी डी की, ग्रैंड डॉटर. सो ऑब्वियसली टू सिबलिंग्स आर देयर, उनकी मदर है एंड उनके फादर है. सो उनके फादर उन दोनों सिबलिंग्स के बीच में जो रिलेशन होगा, दो सिबलिंग्स दे विल बी ग्रैंड डॉटर. सो ए विल बी द ग्रैंड डॉटर ऑफ हुम, डी. सो द आंसर विल बी डी. सो दिस वॉज द नाइन्थ मॉक टेस्ट पेपर दैट वी हैव सॉल्व, विच वॉज ऑन mathematical reasoning and aptitude. And the next mock test paper will be on mathematical reasoning, because isse bahut queries aayi hain. People have told us, students have told us that they want more mock test on number series and coding decoding plus blood relations. So hamara next mock test paper bhi mathematical reasoning mein hoga. So see you all tomorrow, and to know about our courses in detail, you can always press the link जो कि आपकी स्क्रीन में राइट साइड में है. And do not forget to join our telegram groups, subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.